Oh. देखे 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 इसके कॉल आई है वो ब्राल से कि एक स्नेक आया हुआ है, तो हम लोग पहुंच गए हैं। तो आगे देखिए बहुत एडवेंचर होने वाला है, देखेंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पे। जाग भाई तैयार हो गए हैं ग्लव्स पहन के और अपना बैग लेके, देखते हैं धामिन है क्या? कौन सा है कैसे हमारे को मालूम नहीं होता। वो डिपार्टमेंट आपका है रजाक भाई। कैट स्नेक है, फोर स्टेंस कैट स्नेक। अरे कैसे देख रहा, देखो ये साथियों, यह है एक बहुत ही प्यारा सा और अनोखा सांप है, तो इसको फोर स्टेंस कैट स्नेक कहते हैं। इसका जो पैटर्न है ये ब्राउन यानी बिस्किट कलर का है, इसी में ब्लैक और चेक्स कलर का होता है। तो अभी इसका ये हमारे को ऊपर चढ़ने के लिए कुछ ऊपर चढ़ने के लिए मैं इसके पीछे से आता है। तो रजाक भाई जो है चेयर्स लगा के ऊपर चढ़ गए हैं ऊपर से। तो ऊपर कैसे चढ़ोगे, दिख रहा से चढ़ो ना। तो रजाक भाई जो है स्टेयर से ऊपर जा रहे, हो सकता है इसी के नीचे हो। हो 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 इधर ही है, इधर ही बटर से। साथियों यह सांप इस प्लास्टिक की चादर के नीचे जो शीट है इसके नीचे है, आप देखेंगे अभी इसको निकालूंगा मैं। ओहो हो इतना बड़ा है। वाह रजाक भाई है। बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत बिग साइज है, बिग साइज है। इतना दप होता नहीं है ये? नहीं नहीं हो जाता, मतलब बच गए तो इतना होता। ब्यूटीफुल है, एकदम जबरदस्त है। करीबन एक साल के बाद में इतना बड़ा साइज मिला। साउंड देखो इसका, कभी कभार इसके साउंड से आदमी डर जाता है। चलो क्या बात है भाईजान, बहुत बढ़िया। इतने सारे उधर चींटियां थी तो उस वक्त वहाँ पर था। ये एक अनोखा दिखने वाला सांप है और ये इसको यहाँ पर कुछ टिक लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, टिक टिक, जो चिच्चड़ या पिस्सू बोलते हैं। पिस्सू ये डॉग्स को भी लग जाते हैं, तो इसी टाइप से खून चूसते रहते हैं जीवों का। अब ये जंगली जीव है, इसके हाथ पैर तो है नहीं, ना ही कोई इसका दोस्त है, पर भी आवाज कर कुछ बताना चाह रहा है, है? बोल बेटा। तो आपकी नजर कैसे पड़ी? उन्होंने देखा एक्चुअली। अच्छा सुबह भी ऐसे इससे जैसे बाहर डालते थे। ये देखिए साइज कितना बड़ा है और ये आक्रामक मुद्रा है इसकी। तो ये सेमी वेनमस स्नेक रहता है, तो ये इस तरीके से अभी बैठा हुआ है कि ये नहीं है इधर,
तो ये अभी जीवित नहीं है ऐसा है जता रहा है। तो जैसे ही ये मूवमेंट करेंगे तो उसको मालूम है पीछे से ही उसको जगह है जाने के लिए, पीछे कोई इसको रुकावट नहीं है तो इसको समझ रहा है। ये जैसे मैं इसके आगे आऊंगा पीछे का दुम है टेबल के नीचे फेंकेगा जैसे, अब ये उधर से जंप करेगा और एक बार छिया तो मैं ये देखो ये अभी अटैकिंग पोजीशन है ये देखिए क्या बात है। ये मेरा भी नहीं नहीं सामने से कैसा दिख रहा है कोई? रुको रुको कोई बात नहीं अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसी मखलूक के साथ में जिंदगी बिताना सीखा। ये देखिए इसका मुंह देखिए किस तरीके से खोल रहा है। ये आपकी तरफ आ रहा है, आप थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो ये नहीं ये समझ गया है कि मैं इसका मूवी बना रहा हूँ तो ये मुझे पोज दे रहा है, लड़ाई नहीं करेगा मेरे से ये है। ये ऐसा सांप है जो डराने में बहुत माहिर है। अभी मेरा जो हैंड ग्लव्स है इसके अंदर मेरी स्मेल ज्यादा नहीं दिख रही और मेरे चमड़े का फीलिंग नहीं आ रहा उसको। अभी मैं हाथ पकड़ा इसको पकड़ने के तरीके के ऊपर इसको शांत रख सकता हूँ इस तरीके से। जल्दी से मैं मूवमेंट किया तो ये अटैक करेगा देखो ऐसा खोल दिया ना। तो इसलिए हमको क्या है ऐसा एकदम नहीं करना, सिर्फ अब इसको मैं जैसे अब एकदम ऐसे हिलाए ना मैं तो इस तरीके से अगर किए तो मुंह खोल के बाइट करेगा। लेकिन मैं इसको बिना मुंह खुलवाए इसको मैं पकड़ सकता। ये देखिए 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 इसके दांत देखिए अपने आप दिखा रहा है। तो अभी इसको फिर दिखाओ दांत, उसको पूछना पड़ेगा दिखाओ बोल के। दिखाओ भाई दांत दिखा दांत दिखा दांत दिखा। ये इसका मैं एक चीज और देख रहा था रजाक भाई, जो ये फॉर्मेशन बनाता है एकदम जैसे हंटर गोल घूमता है ना, जैसे फट्टी चपटी चीज होती है उस टाइप से इसने स्प्रिंग बना लिया और इसी को वो फोर्स को यूज करता है एकदम आगे बाइट करने के लिए। इसीलिए तो शॉक अब्सॉर्बर इसको देख के बना रहेगा ना, स्प्रिंग सिस्टम टायर वगैरह झटका नहीं लगना बोल के। करेक्ट, तो ये एक्शन से रिएक्शन करता है। ये देखिए फिर से निकलेगा, फिर से मुकलेगा। ऐसा एक खतरनाक सांप होता है, डर लगता है इससे। अच्छा और दांत भी देखो इसके। अगर इसको देखिए इधर लार लगी हुई है, अगर इसको हम लोग मैं आपको बताया था ना झटके से लेने के बाद में मुंह खुलेगा। अब मैं इसको बिना इसके मुंह खुलवाए मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा इस तरीके से स्लोली। हो गया ऐसे बिना उसको डराए, मतलब इसको भी पता लगता है कि मुझे कोई मार रहा है या प्यार कर रहा है। ये पहले ही कर सकते थे लेकिन जानकारी देने के लिए कुछ, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, सेमी वेनमस है जो इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं। ये छोटे पक्षियों और चिपलक यानी चूहे रोडेंट्स वगैरह को जब बाइट करता है तो वो पैरालाइज्ड होते हैं, वो भी मरते नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद में वो एक्टिव होके जा सकते हैं लेकिन तब तक ये उनको खा लेता है।